डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में बैनर तले भाजपा प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया को समर्थन देने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स ने कहा, सपा की सरकार में जब महिलाओं के साथ शोषण होता था तो अखिलेश कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लेकिन योगी सरकार ने कहा माफिया है, माफिया मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और मिलाकर भी दिखा दिया। इस दौरान भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ के मेंबर्स ने कहा, देश और प्रदेश में जो विकास भाजपा ने किया है वैसा विकास किसी और सरकार ने अभी तक नहीं किया। मेरठ को इंदौर जैसा बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब शहर में मेयर भी भाजपा का होगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर शहर को विकसित करने का समय आ गया है। हरिकांत अहलूवालिया के पिछले कार्यकाल को देखते हुए चिकित्सक प्रकोष्ठ ने एक बार फिर उन्हें मेयर की सीट पर विजय बनाने का ठान लिया है। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, डॉक्टर तनुराज सिरोही व डॉक्टर राजकुमार बजाज के बैनर तले किया गया। हरिकांत अहलूवालिया ने भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ से मिले समर्थन के बाद कुछ इस तरह खुशी जाहिर की, देखिए। इस दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने यह कहा, अब देखिए सारी बात तो यहाँ आ ही चुकी है। मुझको लगता है कि आप सब चिकित्सक हैं और बस शहर को स्टरलाइज कर दीजिए, इम्यूनाइज कर दीजिए, और भ्रष्टाचार का कोई इन्फेक्शन यहाँ पर ना आए इसका इंतजाम कर दीजिए। देखिए अभी सपा लाई है, 2014 में मोदी जी आए, 17 में योगी जी आए, दोनों ने हमारी झोली भर दी है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते, कुछ रहता है, लेकिन इतना हमको दिया है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कानून व्यवस्था ने सोती गंज को खत्म कर दिया। सोती गंज मैंने 3 बार विषय पार्लियामेंट में उठाया, 2 बार उठाया तो आलरेडी अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो 3 बार और बढ़ा दे योगी जी पर, सब इंतजाम हो गया। हमें तो जरूर कुछ लोगों की कारें जरूर उठी होंगी, जरूर होंगे डॉक्टर। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यह कहा, इन्होंने पिछले दिनों में इस व्यवसाय को तंग रखा है, परेशान किया है, बहुत वसूली करने की कोशिशें की हैं, नर्सिंग होम्स को तोड़ फोड़ की है, तो वो सभा को ध्यान में रखते हुए और समाज की नर्स को आप पहचानते जानते हुए मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि जो आपने निर्णय लिया है वो निर्णय बिल्कुल सही है। दिन हो या रात, कोई भी मैं आप जानते हैं, कोई भी आपको रात को फोन कर देता है। कोरोना काल में तो अनेकों मेरे सामने बैठे हैं चेहरे, डॉक्टर विरुद्धोत्तमर से तो मैं बात व्हाट्सएप पर ही और उस पर करता था। तो इतना इलाज आपने कोरोना में किया है, अपने जान की परवाह ना करते हुए भी आपने सेवाएं दी हैं। तो आप जब भी आप रात को भी आपको कोई उठ जाते हैं, 4 बजे फोन करेंगे तो उठ जाते हैं, तो जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम भी आपके लिए हाजिर होंगे, जब चाहेंगे तब। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, जो लोग पधारे उनका भी, जो लोग सभागार में पधारे उनका भी, और आपने समर्थन भी उसके भी आपका आभार। वहीं विधायक सोमेंद्र तोमर ने यह कहा, मैं एक ही निवेदन करूंगा, कि 2014 में जाति व्यवस्था खत्म हुई, 2014 से पहले जाति का कैंडिडेट देख के वोट करते थे लोग, लेकिन 2014 में व्यवस्था खत्म हुई,
और भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार, मुझे लगता है कि जिस तरह की लोगों की भ्रांतियां होती थी कि नोएडा जाएगा तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दोबारा सरकार नहीं बनती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से ये सारी भ्रांतियां दूर हुई है। इसी तरह से 2012 से 17 हमारे मेयर साहब थे, उन्होंने विपरीत सरकार होने के बाद भी अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से एक संदेश दिया, लेकिन इस बार ये मिथक भी टूटेगा कि तीसरी सरकार जो बनेगी, यानी पहली सरकार आपने देश की बनाई, दूसरी सरकार आपने उत्तर प्रदेश की बनाई, और अब की बार मेरठ की सरकार बनाने की बारी। मैं आप लोगों से केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं उसका कारण एक होता है कि वो कुछ ना कुछ उन दोनों जननायकों में करने की क्षमता है, करने के लिए विजन है, करने के लिए स्पष्टता है। आप लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है। इसी कड़ी में आज हम मेरठ नगर निगम के चुनाव के बीच के लिए आपके पास आए। 5 साल पहले जब सरकार में चुनाव हुआ तो किसी कारणवश दो चुनाव हम हार गए। आज लेकिन ऐसा मौका नहीं होना चाहिए आपके बीच में। प्रदेश के अंदर जो आज अगर आप देखें तो कानून का जो स्वर्ण काल आज आप और हम जी रहे हैं, उस स्वर्ण काल को भूला नहीं जा सकता। आप सोच सकते हैं कि और आप कह सकते हैं आने वाले जीवन में अपनी पीढ़ियों को कह सकते हैं कि आप गर्व से कह सकते हैं, आप फख्र से कह सकते हैं कि मैं ऐसे कालखंड में पैदा हुआ जहां दो जननायक पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के माफिया राज तक को खत्म कर रहे थे और उन्होंने जो कहा वो आज तक पूरा किया। वही हरिकांत अहलूवालिया को व्यापार संघ की ओर से भी भारी समर्थन मिला है। मेयर प्रत्याशी अहलूवालिया ने व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए यह कहा। एक विषय आपने देखा होगा, वंदे मातरम। जब भी वंदे मातरम शुरू होता था ये वहां पर उसका विरोध करते थे, रिमार्क पास करते थे, इनकी सरकार थी तो उसमें एक बार सभी अपने संगठन से बात करके हमने पार्टी संगठन से अपने जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर हमने कहा कि साहब ऐसे ऐसे ये करते हैं, वंदे मातरम शुरू होता है और ये उसका विरोध करते हैं, रिमार्क पास करते हैं, तो हमने फैसला लिया कि अगर अब ये करेंगे तो हम इन्हें सदन में नहीं रहने देंगे। तो ऐसे हुआ जब वंदे मातरम शुरू होता था तो ये जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इन्हें वहां से धकेल के बाहर निकाल के करा, जबकि उस समय सभा की सरकार थी। तो साथियों हम संघर्ष करके आए हैं और नगर आयुक्तों को बिल्कुल इनका संदेश होता था, मगर उस समय भी विपरीत सरकार ने 4,399 गली सड़कें हमारे माध्यम से बनी थी। ये तो डॉक्टर साहब आपने जो यहाँ का विषय बताया ये तो फिर भी बहुत अच्छा इलाका है, जिसमें से लगभग 1800 से 19 गली सड़कें ऐसी थी जहां पर हमारा अनुसूचित समाज, सोनकर समाज, जाटा समाज, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, जहाँ पर छोटी छोटी गलियां होती हैं, सब रास्ते कच्चे थे और वहां पर जब हमारी मातृशक्ति या हमारे सम्मानित नागरिक घरों पर जाते थे, गर्मियों में मिट्टी जाती थी, जब बरसात होती थी वही कीचड़ बन जाती थी और कीचड़ घरों में वो अंदर लेके जाते थे। अब आप सोचो कि जब कीचड़ कोई घर में लेके जाएगा तो मातृशक्ति को कितनी प्रॉब्लम होती होती होगी उसे साफ करने में। वहां पर सभी जगह हमने टाइल्स की सड़कें बनवाई और वो जिस समय हमारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ वहां के क्षेत्र के सम्मानित नागरिक भारी संख्या में वहां मौजूद थे। तो साथियों अब तो केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है,